तो दोस्तों, मैं हूं सपन राज और आपका राज ग्राफिक ज्ञान में स्वागत है। जैसा कंटिन्यू आपको इंडिजाइन के बारे में बता रहा था, उसी में थोड़ा बताने जा रहा हूं। इसमें एक कमांड होता है क्लियर ट्रांसफॉर्म का कमांड। वो कमांड क्या होता है, मान लो हमने किसी इमेज के साथ या किसी वेक्टर के साथ, किसी शेप के साथ, किसी भी चीज़ को हमने मान लो क्या रोटेट कर दिया, उसके साथ मान लो कुछ भी हमने छेड़खानी कर दी, ठीक है, चाहे इमेज के साथ हो या किसी भी शेप के साथ हो, किसी भी चीज़ के साथ, मान लो हम उसको एंगल घुमा दिए, मान लो शेयर कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, कुछ भी कर दिया, लेकिन हमने मान लो क्या किया, फाइल सेव करके रख दिया उसको, लेकिन बाद में लगा नहीं इसे हम उसे एंगल में नहीं करना चाहिए था, या हमें सीयर नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपको हम देखिए, मैंने बहुत कुछ आपको बता रखा है, जैसे यहाँ रोटेट करना, स्केल करना, सीयर करना, या कुछ भी करना हमने इमेज के साथ, टेक्स्ट के साथ, सेव के साथ कर दिया, फाइल को सेव करके बंद कर दिया। अब बाद में पता चलता नहीं, क्लाइंट ने बोला नहीं इसको ओरिजिनल जो जैसा था सीधा स्ट्रेट रख दो, तो उस पोजिशन में आप क्या करेंगे, एक्यूरेट एंगल मिलाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो उसी के लिए हम यहाँ क्या यूज़ करते हैं, क्लियर ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं। कैसे करते हैं, चलिए आपको बताता हूँ। इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए, जब तक आप पूरी वीडियो को नहीं देखेंगे आप समझ नहीं पाएंगे। यहाँ चलिए, मैंने क्या एक इमेज ले रखी है, ठीक है। अब इमेज को मैंने क्या किया, यहाँ लिया, और इस इमेज को मैंने अभी क्या किया, थोड़ा रोटेट करके फाइल को सेव करके छोड़ दिया, ठीक है। जब फाइल को सेव करके छोड़ दिया, बाद में क्लाइंट बोलता नहीं ओरिजिनल इमेज जिस एंगल में थी उसी एंगल में हमें चाहिए, तब इसको मिलाना हमें क्या मुश्किल हो जाएगा एक्यूरेट एंगल में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इमेज पर क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, और ये सबसे नीचे आता है क्लियर ट्रांसफॉर्म। जैसे क्लिक करेंगे आपकी इमेज जैसी ओरिजिनल थी, जिस एंगल में थी वैसी आपकी आ जाएगी। अब देखिए मैं आपको दूसरी चीज़ करके दिखाता हूँ। दूसरे में इसको मैंने बड़ा कर लिया, ठीक है। इंडिजाइन में क्या, इमेज को जब भी आपको बड़ा छोटा करना है तो आपको करना क्या, कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट को दबा के रखना है, उसके बाद माउस का लेफ्ट बटन ड्रैग करेंगे, बाहर की तरफ जब बड़ा होगा और अंदर की तरफ करेंगे तो छोटा होगा, ठीक है। अभी मैंने इसको क्या किया, यहाँ से देखिए इसको मैंने कर दिया, यहाँ पे रोटेट कर दिया इस तरह से, फाइल को सेव कर दी, ठीक है। अब क्लाइंट बोल रहा है इसको स्ट्रेट कर दो, तो हमने क्लिक किया, ऑब्जेक्ट में गए, ट्रांसफॉर्म में गए, इसके लिए ट्रांसफॉर्म किया, ये देखिए इस तरह से आपकी ओरिजिनल इस तरह से आ गई, जिस एंगल में थी ओरिजिनल उसी एंगल में आ गई। ये तो हो गया इमेज की बात। अब हम चलते हैं नॉर्मल शेप की बात, ठीक है। यहाँ मैं एक कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने चलो कोई भी शेप एक ड्रॉ कर लिया, इसका कलर में कुछ भी कर देता हूँ जिससे आपको दिख जाए क्लियर। अब इस शेप को देखो, आप रोटेट कर रहे थे मैंने बता ही दिया, जैसे नॉर्मल इमेज के साथ करते हमने यहाँ रोटेट किया तो मान लो सेव कर दिया, हमें एक्यूरेट एंगल में चाहिए जैसा ओरिजिनल था, क्लिक करके हम क्या किया, ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म, क्लियर ट्रांसफॉर्म। यहाँ तक आप समझ गए होंगे रोटेशन को हम कैसे ओरिजिनल एंगल में लाते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट में। अब हमने क्या किया, मान लो इसके सामने कुछ छेड़खानी कर दी, ठीक है, हमने इसको शेयर कर दिया इस तरह, शेयर करके हम इसको फाइल को सेव करके छोड़ दिए। अब हमने, हमें क्लाइंट का बोलता नहीं ये जो था हमें ओरिजिनल एंगल में जिस पोजीशन में, तो जो साइज में हमें उसी साइज में चाहिए था, हम क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ पे उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे बस इस पर क्लिक करना है, सेम वही चीज़, ऑब्जेक्ट, ट्रांसफॉर्म और क्लियर ट्रांसफॉर्म, तो आपकी जो भी थी ये ओरिजिनल साइज में आपकी ये आ जाएगी। उसी तरह मान लो इसमें क्या है, मैं चलिए दूसरे शेप के साथ दिखाता हूँ आपको। मैं सपोज मान लो एलिप्स ले लिया हमने, ठीक है, एलिप्स लेके इसका कलर में यहाँ पे कुछ भी कर दिया, और इस एलिप्स के साथ हमने छेड़खानी कर दी कुछ भी, मान लो इसके हमने स्केलिंग कर दी कुछ भी कर दी कर दी यहाँ से, ठीक है। फाइल को हमने सेव कर दिया, तो हमें क्या ओरिजिनल शेप चाहिए, तो हमने क्लिक किया, सेम वही चीज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, और इसको क्लियर ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो उससे ये नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ अप्लाई जो होती है आपकी किस में होती है, सिर्फ इसमें आपकी क्या एंगल में होगी, इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा, एंगल में होगी और सीयर में होगी, क्योंकि यहाँ जो स्केल होती है इस चीज़ को ध्यान से, इसलिए मैंने यहाँ करके दिखाया था आपको, यहाँ स्केल में, स्केल तो आपकी बड़ी छोटी होती है, तो हमने स्केल यहाँ पे क्या किया, इसको खींच दिया, तो खींचने के बाद ये ख़राब हो गई आपकी, तो आपको क्या करना है, इसको स्केलिंग में नहीं, स्केलिंग तो आप नॉर्मली कर सकते हैं जो आपने खींच के किया, लेकिन आप जो यहाँ पे शेयर करते हैं उस चीज़ को आप सीधा नहीं कर सकते, या हमने इसको किया इस चीज़ को आप नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट में जाकर ट्रांसफॉर्म में हम क्या करते हैं, क्लियर ट्रांसफॉर्म। इसी चीज़ का आपको मैंने यहाँ पे आपको ये बताया था, इस चीज़ को करके आप जो स्केलिंग करते हैं, स्केलिंग में ये अप्लाई नहीं होगा, आप अप्लाई कहाँ होगा इसका, एंगल में, इस चीज़ को याद रखिएगा, जो हमने रोटेट किया किसी चीज़ को रोटेट करेंगे इमेज को, शेप को, तो वहाँ अप्लाई होगा। अगर यहाँ शेयर करेंगे, शेयर करने का मतलब इसको हम इधर उधर करके एंगल को हमने शेयर किया, जैसे आपको देखिए यहाँ पे ऐसे करके शेयर कर दिया, तो उसको हम कर सकते हैं यहाँ पे, देखिए ट्रांसफॉर्म में गए, क्लियर ट्रांसफॉर्म करके ला सकते हैं, लेकिन जो आप यहाँ पे ये जो करते हैं आप इसका स्केलिंग, स्केलिंग करना मतलब इसको बड़ा छोटा करना, तो बड़ा छोटा तो आप नॉर्मली भी कर सकते हैं आप इस तरह से, तो उसको आप क्या, आप खुद से कर सकते हैं बड़ा छोटा, लेकिन आप इस उसको जो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे इस चीज़ को, आप सीयर को और रोटेट को आप इसको नहीं कर सकते, उसी के लिए स्पेशली ये बना हुआ है आपका क्या यहाँ पे, ट्रांसफॉर्म कमांड जो यहाँ पे होता है आपका क्लियर ट्रांसफॉर्म। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें, आप इमेज के साथ करें, चाहे आप मान लें किसी टेक्स्ट के साथ करें,
या किसी सेव के साथ करें। अगर आप ये सब चीज़ें यूज करके फाइल को सेव कर दिया है आपने, चाहे रोटेशन करके या शेयर करके कुछ भी करके, तो उस चीज़ को आप क्लियर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने मान लो उसको रिसाइज कर दी, यानी कि यानी स्केलिंग उसकी बड़ी छोटी कर दी, सॉरी, तो उस पोजिशन में आप इसको नहीं कर पाए, तो उस पोजिशन आप क्या नॉर्मली इसको आप खींच के भी छोटा बड़ा आप कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके हाथ में है। लेकिन रोटेशन और आपको जो शेयर बताया आपका, वो हाथ में नहीं होती, उसका आपने फाइल कर सेव करके आपने बंद कर दिया, तो इस पोजीशन आप कभी भी फंसते हो। और क्लाइंट बोलता नहीं, मैं इसको ओरिजिनल एंगल में चाहिए, ओरिजिनल पोजीशन जैसी थी वो चाहिए, तो उस पोजीशन आप क्या कर सकते हैं, क्लियर ट्रांसफॉर्म आप यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का छोटा सा क्लास, हम इनडिजाइन में क्लियर ट्रांसफॉर्म का यूज़ कैसे करते हैं। तो अगर आपको आज का क्लास हमारा अच्छा लगा, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।